Good afternoon, students. आज हम लोग को लैब असाइनमेंट 3 परफॉर्म करना है. आपका ये असाइनमेंट 3 है. रिफर्स टू फाइल, ये फाइल मैं अभी आप लोगों को शेयर कर दूंगा. रिफर टू द फाइल सैंपल डेटा 1. You are required to go through factor analysis and describe extracted factors in your analysis. तो ये कुछ कुछ वैसा ही assignment है जैसे हम लोग ने third semester में किया factor analysis. ठीक है, factor analysis कोई बता सकता है कि क्यों use किया जाता है, जो ये tool है factor analysis, इसको use क्यों करते हैं SPSS में? किसी को याद है? नहीं याद है. डेटा को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं फैक्टर एनालिसिस. मतलब जब सपोज मुझे कोई ऐसा डेटा मिला बहुत जो कि बहुत ह्यूज है और उसको एनालाइज कर पाना, उसको स्टडी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो उस डेटा को मैं रिड्यूस करके मगर उसके इम्पैक्ट को मैं, इम्पैक्ट वही रहेगा जो पहले जैसा पहले था. मतलब जो ह्यूज जो आपका डेटा है, जो बहुत जो एक ऐसा डेटा है जिसको एनालाइज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसको हम लोग यहाँ पर फैक्टर एनालिसिस टूल की हेल्प से हम रिड्यूस कर सकते हैं, मगर उस डेटा का इम्पैक्ट वही होगा जैसा इम्पैक्ट वो प्रीवियस डेटा का है.
ठीक है, अगर हम उस डेटा पे हम लोग कोई भी टूल यूज करेंगे तो मुझे रिजल्ट लगभग वैसा ही मिलेगा। ओके, तो बहुत सिंपल सा टूल है। तो इसके लिए हम मुझे चाहिए मतलब बहुत ह्यूज डेटा चाहिए जहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हो और डेटा बहुत जो है बहुत सारे रिस्पोंडेंट हो, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ डेटा चाहिए होगा। उसको फीड कर पाना तो मुश्किल है, इसलिए मैं फाइल दे दूंगा। ठीक है, ये एक फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ, इसको शेयर कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से डेटा रहेगा। और एक चीज और, मैं नेक्स्ट वीक आप लोग का वाइवा लेने वाला हूँ, तो आप लोग जो भी असाइनमेंट 1, 2, 3 ये तीनों आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक मैं वाइवा लूंगा। ये देखिए, ये आपका डेटा है, इसमें इतने सारे वेरिएबल्स हैं, 30 वेरिएबल्स हैं टोटल। और अगर मैं डेटा व्यू पे जाता हूँ तो ये डेटा है, तो बहुत यूज है, मतलब इसको अभी मुझे अगर टूल यूज करना है या इस डेटा को एनालाइज करना है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। मगर अगर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ डेटा को बहुत आसानी से। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, फिर से शेयर करता हूँ। हाँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, डेटा ऑलरेडी फीडेड है, कुछ नहीं करना है, बस एनालाइज पे गए। एनालाइज के बाद मुझे ऑप्शन दिखेगा फैक्टर एनालिसिस, ठीक है, इस पे मुझे क्लिक करना है। और जो भी वेरिएबल मुझे ऐसा लगता है कि उसको एनालाइज किया जा सकता है, ठीक है, या जिस भी वेरिएबल को मुझे लगता है मुझे एनालाइज करना है, मुझे उस डेटा को स्टडी करना है, वो डेटा को मुझे सेलेक्ट करना है। सपोज अभी अगर मैं आईडी की बात करूं, सिटी की बात करूं, एज की बात करूं, लेंथ ऑफ सर्विस की बात करूं, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात करूं, तो ये सारे डेटा ऐसा नहीं है जिसको मैं एनालाइज करूं और उससे जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरे लिए कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ला के नहीं देगा। या मैं उस डेटा को, अगर मैं एज की बात करूँ या आईडी जेंडर की बात करूँ सपोज, तो उस डेटा को मैं एनालाइज नहीं कर सकता, या अगर एनालाइज करता हूँ तो इसका रिजल्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो ऐसा डेटा छोड़ के मुझे जो भी वेरिएबल लग रहा है कि जिसको मैं एनालाइज कर सकता हूँ उसको मुझे सेलेक्ट करना है, तो कितना भी हो सकता है, ठीक है, सपोज मैं ये सारे वेरिएबल्स मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इधर भी है, आप सब भी ले सकते हो, सेलेक्ट किया इनको और इस तरफ लेके गए, वेरिएबल्स में लेके गए, और कुछ नहीं करना है, सीधे ओके। अभी रिजल्ट देखते हैं, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। अभी जो सबसे लास्ट में जो मैट्रिक्स होगा वो आपका डेटा है, मतलब हमारा डेटा कितना ह्यूज था, लेकिन अभी वो डेटा ये जो कंपोनेंट मैट्रिक्स है इसमें कन्वर्ट हो गया। अभी इस डेटा को मैं अगर एनालाइज करूंगा, कुछ भी कोई भी टूल अप्लाई करूंगा, तो ये डेटा मुझे वही रिजल्ट ला के देने वाला है जो पहले वाला डेटा ला के देता है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे वेरिएबल्स हैं, जितने वेरिएबल्स मैंने सेलेक्ट किए हुए थे, ठीक है, और उस वेरिएबल्स में 10 कंपोनेंट्स हैं जो उस डेटा को बता रहा है, ठीक है, तो इसने इस डेटा को रिड्यूस कर दिया। अभी मैं इधर कोई भी टूल अप्लाई कर सकता हूँ और डेटा को आसानी से एनालाइज कर सकता हूँ। तो ये है आपका फैक्टर एनालिसिस जिसकी हेल्प से मैं डेटा को रिड्यूस कर सकता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना मैं अभी जो है आप लोगों को फाइल शेयर कर रहा हूँ जिसमें आपको डेटा को, जिस फाइल को आपको रिड्यूस करना है, ठीक है, आप लोग ये करना शुरू करो। मैं ग्रुप में भी शेयर कर दे रहा हूँ वो फाइल, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां शेयर कर दे रहा हूँ, और इधर भी कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए।
इसका सबमिशन आप लोग इसी टाइम पे करिएगा, ठीक है, यानी कि 5 बजे के पहले। हाँ, एक फाइल अभी मैंने शेयर कर दिया आपको इधर, इसको इसको देख लीजिए, सैंपल वन। इसी तरह एक और फाइल है, दोनों का डेटा आपको रिड्यूस करना है। सैंपल वन एंड सैंपल टू, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए, और इसमें कुछ बताने को नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे पूछ लीजिए आप।
जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग शेयर करिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर करते रहिए, अब तक हो जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट शेयर करिए आप लोग, गूगल क्लासरूम पर तो जरूर शेयर करिएगा जो भी आपका सबमिशन होगा उसके साथ। जिसका होता जाए वो स्क्रीनशॉट शेयर करे। जो आपका रिजल्ट होगा उसको आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी रिजल्ट आएगा। एक चीज और है, मैं वापस फिर से शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। तो जैसे कि मैंने ये अभी किया था, डेटा व्यू पे गए, एनालाइज पे गए, अभी मुझे डेटा रिड्यूस करना है। तो जो भी वेरिएबल मुझे लग रहा है कि ये वेरिएबल तो मुझे इसको एनालाइज करना है और उसका डेटा बहुत यूज है, उसको ऐसा मुश्किल मेरे लिए हो रहा है, तो वो वेरिएबल्स को मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मुझे लग रहा है कंपोनेंट्स जो थे वो ज्यादा हो गए, या जितने कॉम्पोनेंट्स करना चाहे वो इधर मैं उस वहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने रखने हैं वो सारी चीजें यहाँ पर मैं बता सकता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, सपोज मुझे 5 फैक्टर्स रखने हैं, ठीक है, वो चीजें यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ और कंटिन्यू करके ओके कर दूंगा। तो मुझे फिर वो चीजें
उधर कंपोनेंट उधर उतने कम मिल जाएंगे, तो मतलब लेकिन वही बात है कि कंपोनेंट जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा वो डेटा प्रीवियस डेटा को मैच करेगा, उतने ज्यादा वो रिजल्ट के करीब होगा। ठीक है, बाकी दोनों डेटा को, जो भी रिड्यूस्ड डेटा है और जो प्रीवियस जो डेटा है, दोनों का आप कोई भी टूल यूज करोगे रिजल्ट लगभग लगभग वही आएगा। ठीक है, तो करिए आप लोग और स्क्रीन शॉट जो है शेयर करिए।